G20 समिट के आखिरी दिन दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों ने श्रीनगर की खूबसूरती को देखा। कई लोग बैठक के बीच बाजार में निकले और जमकर खरीदारी की। हल्की बारिश के बीच हाथों में छतरी लिए ये लोग श्रीनगर के खूबसूरत बाजार के बीच घूमते हुए दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से G20 समिट की वजह से श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ कई कमांडो भी तैनात थे। डल लेक में भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। इन प्रतिनिधियों ने डल लेक में भी सैर की और प्रसिद्ध शिकारों की सवारी का भी आनंद लिया। It's just stunningly beautiful. This opportunity to host third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. G20 की बैठक में शामिल हुए प्रतिनिधि जबरदस्त आतिथ्य सत्कार देखकर गदगद हो उठे। I understand that Kashmir is a place of success in terms of tourism inside India, and India government has very good plans for international tourists to come to this area in the near in the next few years, and I think the region Kashmir itself has everything you need just to have a wonderful vacation, a wonderful holidays. For me personally, has been really a discovery above expectations. What I've just seen in these 2 days is really overpassing the expectations of the area because it's so beautiful. इस समिट की वजह से श्रीनगर के साथ साथ जम्मू कश्मीर का माहौल भी बदला हुआ है। वहाँ रहने वाले लोग श्रीनगर में हुए इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की वजह से काफी खुश हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस समिट के बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। धारा 370 हटने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन घाटी में किया गया और इससे पहले पूरे श्रीनगर शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सड़कों पर तिरंगी लाइटें जगमगाती दिखी तो खूबसूरत फूलों ने कश्मीर की रौनक में चार चांद लगा दिए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले तक आए दिन पत्थरबाजी और कर्फ्यू की वजह से परेशान रहने वाला कश्मीर आज बिल्कुल शांत नजर आया। न तो किसी ने कोई विरोध किया और ना ही किसी ने बंद की कोई कॉल दी और ये G20 समिट शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। गौरतलब है कि G20 में 60 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बनाने वाले भी यहाँ आएँ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने श्रीनगर में चल रही तीसरी जी पर्यटन कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये बैठक कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई।